आज तो पूरा घर सुना सुना लगे, आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। आया है एक बार भी खाने के लिए, मिला ही नहीं। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं। हां मैं भी यार। हां आप अभी तो नॉर्थ ईस्ट कर रहे हो ना राइड? हां बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है और एक नए ब्लॉग्स में। बहुत दिन हो रहे हैं मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी क्योंकि काम के कारण इतना बिजी था ना। सुबह से सुबह जब उठेगा उसके बाद ही काम होता है। लड़कियों को पता है लड़की को कितना काम होता है, तो इसी कारण मैं ब्लॉग स्टार्ट कर नहीं पाती हूँ। मम्मी पापा डेली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ के मैंने कल का राइस मैंने ऑयल से फ्राई कर दिया तुम्हें तो देखकर, और बना रही हूँ मैं आज पहली बार पराठा या पूरी के मैं दिखाती हूँ दोस्तों आप लोग को। ये भैया ने आटा को बूंदा था और ये भी मिक्स ये मैं बेल रही थी दोस्तों, लेकिन नहीं हुआ। बेलते बेलते देखो अच्छा भी नहीं हुआ। जो भैया ने बेला था ना वो इतना गोल गोल था, उल्टा है पूरा तवा होने से और बढ़िया उल्टा था। तवा नहीं है, थोड़ा सा फूला हो जाएगा। कोई नहीं, कढ़ाई में बढ़िया से बना लेंगे। एक्चुअली मैं छोटा में बहुत रोटी बनाया घर में, पापा ने सिखाया तो पूरा एक्सपर्ट हो गया ना। तो मैं ये बेल के देखती हूँ दोस्तों, ये तो मैं बेलते बेलते ब्लॉग स्टार्ट किया है पूरा गंदा बेल हुआ है देखो। बबरे इतना फूल गया है, कैसे कर लेते ना फूला फूला? मेरे को तो कभी भी नहीं होगा, मेरे को पूरा सिखा के जाना। ओके ओके, पूरा फूल गया है। अरे वाह, तवा नहीं है फिर भी। अरे भाई साहब क्या बात है, लाजवाब फूल। आज से इसका नाम बावर्ची बावर्ची टिकलू। क्या मैं कर दूंगा, कोई नहीं। मेरी से तो एक ही भी नहीं हो रही है, कैसे मदद करूंगा आपको? तवा नहीं है ना, ये तो पूरा सीधा करके बैठना चाहिए। ओ तवा में क्या है, इक्वली हर जगह से बेल जाता है। कढ़ाई ज्यादा वो हो गया ना, बहुत ज्यादा गर्म है ना इस साइड में। देखो आपको भी पूरा पसीना निकल रही है गर्म में। बहुत मेहनत होता है खाना बनाना। इसमें करो भाई, ये और ये कॉर्नर का है ना, ये धीरे धीरे दबाइए ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा सा फूलने लगा ना, इसको आप उल्टा दीजिए, उल्टा करके रख दीजिए। और ज्यादा आग मत दीजिए, इतने धीरे धीरे आग में, धीरे धीरे आग में। फिर अभी इसको कॉर्नर को अच्छे से लगाइए। और देखिए जैसे फूलेगा ना इसे इसको दबा दीजिए धीरे एक सके। मैं पानी खा दूं? हटो बाबा, पटो पटो ऐसे। भर गया तरीके से, फूल गया ये भी। आज तो खाने में बहुत मजा आएगा, उसमें आलू फ्राई है और रोटी। आज ट्राई करके देखेंगे बिना राइस के रह पाती कि नहीं। मैं तो बोला है मम्मी पापा के लिए ओनली राइस बना दिया है और आपके लिए भी बना दिया है, सिर्फ रोटी और बाय खाएंगे हम। और यहाँ पे मन्नत का पापा स्नेल को निकाल रही है। ये गुद्दा हो गया है, निकालते निकालते बाहर भी भाग गया। अभी तक मुंह धोया ही नहीं सुबह से। महेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली।
लग गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दवाई पीते हो? रोटी हो चुकी है तैयार दोस्तों, और रोटी के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ फिर से टोमेटो चटनी। टोमेटो थोड़ा जलाया है, नहीं आता है किसी से सीखकर मैं ये बना रही हूँ। मिर्ची भी थोड़ा जला दिया है, टोमेटो पे भी जला लिया है, और यहाँ पे कल का चिकन का वो पानी था वो भी गर्म कर दे रही हूँ। पहले से तो आलू भी बनाया था, देखो पूरी के साथ रोटी के साथ खाने के लिए मैं बार बार पूरी बोल रही हूँ। हुआ कि नहीं हुआ कमेंट में बताना, पहली बार टोमेटो चटनी बना रही हो दोस्तों, और वो भी किसी से सीख कर। आज खाना खाने का टाइम में भी बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि कारण भी नहीं है दोस्तों। सुबह से बोल रहा हूँ, कल से कारण नहीं है। और मैं बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया है बाहर का व्यू। वाह, बहुत ही खूबसूरत का नज़ारा है। और ये हम लोग का जो बर्तन टेक्निक बर्तन धोने का जगह में है ना, एक पैर तवा से खाद के लगाया था मम्मी का पापा, देखो पूरा बच गया। घर का अंदर इतना गर्म था तो मैं बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा हवा ले रही हूँ, और मम्मी पापा को बोला है राइस निकालने को, नहीं तो यहाँ पे खाते हैं खाना, और आज यहाँ पे खाएंगे। और इस साइड का है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है दोस्तों, क्योंकि इसमें छत के नीचे जो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो हम लोगों ने बेम्बू का वो दीवारें दिया था, इसलिए थोड़ा ठंडा है यहाँ पे। जा रहे हैं अपना लंच, आज थोड़ा अलग तरह का होगा, अलग ही बोलूंगा मैं, अलग ही होगा ना भाई। आज होगा रोटी पहली बार, क्योंकि भाई ने जब भी आया है एक बार भी खाने के लिए मिला ही नहीं ये रोटी, इसलिए आज पहली बार मैं कल आटा लेके आया उसके लिए। आप घर में पहली बार बनाओगे ना रोटी? हाँ पहली बार बनाया भाई, मेरा घर में भी पहली आप बार। आपका आगे भाभी को बनानी, अब तो बनती रहेगी खानी होगी तो। है, लेकिन हम लोग खाता ही नहीं इसलिए नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि बनाना, अभी तो बनाना आएगा, टेंशन नहीं। मैं व्हाइट राइस खाऊंगा भाई, लेकिन पहली बार मैं एक ही ट्राई करूंगा, एक नहीं एक थोड़ा हाफ पीस ट्राई करूंगा मैं, एक पूरा ट्राई करो, फूल भी नहीं एक भी समझ में नहीं आया। रोटी ज्यादा बनी है, एक पूरा ट्राई करो, आधी में समझ में नहीं आता है। आप पूरा फिनिश करो। ओ फिनिश तो नहीं हो रहा है। और इसका बनाने वाला कौन है कलाकार? टिकलू भाई, टिकलू महाराज, टिकलू महाराज। आपके लिए प्लेट लाओ, प्लेट नहीं कटोरी दे दे। कटोरे एक लेके आए हैं, ये चलेगा, चलेगा। और एक लेके आओ कटोरे, ये भी खा रहा है। और सुबह जो खाना बचा हुआ था ना, क्योंकि भाई लोगों ने कल आइडिया दिया था कि वो ऐसे फेंको मत, क्योंकि इसको टमाटर के साथ प्याज डाल के और हल्दी डाल के और ऑयल डाल के गर्म करके खा सकते हैं आराम से, वही टेक्निक हम लोग ने आजमाया। हाँ खा लो भाई, आज तो मूड भी नहीं लग रहा मुझे खाने में, इतना गर्म है, इतना गर्म लग रहा है, इतना गर्म लग रहा है, पूरा ठंडा लेने के लिए मन कर रहा है शरीर को। फ्रिज के अंदर घुस जाओ एक मिनट के लिए, जाओ जाओ, जाओ फ्रिज के अंदर, हम लोग तब तक ये फ्रिज कर लेते फिर बाद में आ जाना। मैंने देखा है भाई एक कॉमेडी, वो बांग्लादेश में एक हम लोग का आदमी, खास का आदमी, वो पानी में डूब के रहता है, बोलता है ऐसे उठ के पानी से उठ जाता है तो कि बांग्लादेश का गर्मी खत्म हो गया क्या, पूछता है ऐसे बांग्लादेश का, वो बोलता है एक बड़ा बोलता है नहीं खत्म नहीं हुआ, फिर डूब जाता है वो। मोहित का पापा के लिए बनाया था व्हाइट राइस, और पहले ट्राई कर रही है ये रोटी, पहली तो बार जिंदगी में, फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं बिकी भाई कैसे खा रहा है, उससे भी मैं ट्राई कर लेता हूं। क्या यहाँ पे दिखाओ ना, और रुको रुको, मस्त है, बढ़िया है ना, बढ़िया है। माहौल बढ़िया लग रहा है मेरे को, अलग लग रहा है माहौल जो है, क्योंकि हम लोग का ऐसा पहले सब्जी
सब्जी बनाते थे ना, व्हाइट राइस सब्जी होता था और रोटी है जो जिसको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे वो खाओ। रोटी बना दिया बिकी भाई के लिए, अभी खाते रहेगा भाभी जब भी मन जाए खाओ, तेरा और थोड़ा सा भाजी ले लो कुछ भी ले लो। ये भी खा रहा है रोटी, देखो ये भी आज बिना व्हाइट राइस का खाली रोटी, व्हाइट राइस का आज पूरा दिन रहना है रोटी खा के। मस्त है यार, बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी है तो रोज लाना पड़ेगा, आता हम लोग का घर में कभी कभार खाएंगे। और भाई तो मेरा जैसा सेम है, इसको व्हाइट राइस चाहिए जो भी खाओ, रोटी इतना नहीं खाते हैं। जला हुआ ना, जला जला होने से थोड़ा अच्छा है। तो भाई लोगों को अचानक प्लान चेंज हो गया है, जो यहाँ से जा रही है वो लोग आज बस तुरंत खाना खा के ऊपर चला गया, दोनों मीटिंग किया होगा तो अचानक से चला जा रहा है यहाँ से। अचानक से नहीं, कल भी तो बताया था। हाँ बहुत, ओ आज तो पूरा घर सुना सुना लगेगा, पूरा हल्ला फुल्ला करके रहते है ना, तो आज पूरा घर सुना सुना। जितना दिन ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा तकलीफ होगा। भाई लोग बोल रहा है कि अभी जो पूरा घर का फीलिंग आ रहा है ना, तो हम 5 जन में थोड़ा घुस गया है, लोग इस लोगों को स्ट्रगल करना है बोल रहा है, इसलिए जाना चाहते हैं। कोई नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें और भाई से मिलके, भाई का फैमिली जो प्यार किया जो नेक्स्ट लेवल का। नहीं नहीं इतना तो मेहमान नवाजी कर नहीं पाए। हम लोगों ने जो बोल रहे हैं ना, वो आप लोग उतना दिन रुकता तो पूरा और भी मजा आता, हम लोग वाटरफॉल में जाता। भाभी को लाएगा, बिकी भाई भी लाएगा, भाभी को लाएगा, सब भाभी लाके आएंगे, सब लेके आएंगे आगे। चलो और मैं ना जो रोटी बनाया था दोस्तों वो पैक कर दे रही हूँ भाई के लिए, तो आधे रास्ते में भूख लगेगा तो वो खाएगा। ये खाने के लिए पैक कर दो, और इसके लिए तो बचा ही नहीं है ना, सब्जी भी नहीं, सब्जी भी नहीं बचा यार। ये अचानक प्लान हो गया इन लोग का, पूरा अजीब लग रहा है ना एक साथ रहते रहते, पूरा एक बॉन्डिंग हो जाता है ना। हाँ तो बापू बोल रही है, बापू भाई लोग जा रहे हैं, आता फेंक हो चुका है भाई, कैसा रहा यहाँ पे आकर? बहुत मजा आया। हाँ जाएंगे, बापू जाएगा अभी, चलेगा मेरे साथ जहाँ मैं जा रहा हूँ। मम्मी तू भी जाएगा? नहीं जाऊंगा, मम्मी भी नहीं जाएगा, पापा भी नहीं जाएगा, बस आप लोग का, आप लोग, आप जाएगा तो इन लोग का साथ चलो। मैं हूँ जहाँ तक वो स्कूटी जा सकता है मेरा गांव में, जो नदी का पास तक, तो वहाँ पे छोड़ने के लिए जाऊँगा मैं, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट तो लगता है, तो भाई लोग को थोड़ा तकलीफ हो सकता है चलने में इतना धूप में, तो इसी कारण तीनों स्कूटी में जाएंगे। और कौन चलाएगा? टिकलू भाई चलाएगा, टिकलू भाई चलाएगा। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है यार, आप लोग अचानक जा रहे हो, कुछ प्लानिंग हो के जाता, कल सुबह जाएंगे। कल तो बोला था रात में कि आज सुबह निकलेंगे। नहीं कल नहीं बोला था, सुबह बोला था आपने। आज सुबह बोला था? हाँ सुबह बोला था, आज जाएंगे बोल के। कोई नहीं ठीक है, जल्दी आएगा दोबारा, फिर आएंगे। पर एक्चुअली हमारा जो सफर है वो बहुत लंबा होने वाला है ना, और एक दिन में एक जगह में, अगर हमारा तो एक दिन का प्लान था यहाँ रुकने का, 3 दिन रुके। और मेरा जितना भी व्यूअर है और भाई लोगों को भी जाके चैनल चेक करो, भाई घुमक्कर इंडियन और टिकलू ब्लॉग्स आप लोग, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोनों का लिंक, तो वहाँ पे भी। हाँ फिर भी दो जितना भी देखता है ना मैं, हम लोग को दिन में 2000 लोग देखते हो या 1500 लोग देखते हो, तो जाके भाई लोग का वो सब्सक्राइब कर दो भाई, फिर चलेंगे वहाँ तक। चल इतना दूर आया, इतना मेहनत करके भाई, एक होता है ना एक बर्निंग होता है ना, सोगा तो ये लोग को 4-5 दिन होने वाला था। हाँ भाई 5 दिन होने वाला था, 3-4 रात होने वाला था, आज रुकता तो इन लोगों ने 4 दिन हो गया, 3 रात हो गया, तो पूरा अपना ही लग गया भाई, पूरा हम लोग मजाक वगैरह करते रहता है सब ओपनली, सब ये सब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, मैं बहुत जल्दी क्लोज होता है हम लोग कोई भी फैमिली से, तो पूरा दिल में लगता है कि जा रहा है ये लोग। मैं ये लोग बोले बोला तो अचानक बोला तो कि हम लोग जाएंगे, अभी वो ऊपर गया था उन लोग लॉन्च करने के बाद ऊपर गया था, तो वो लोग बोल रहा है कि जाएंगे, तो मेरे को पूरा मन में है अभी जाएगा, पूरा कैसा लगा था, पूरा एक होता है ना, तो मेरा मुँह पूरा खड़ा हो गया था। कोई बात नहीं, फिर भी ये लोग बोल रहा है कि ये लोग बोलता है इन लोग का और भी जाना है,
और बहुत सारा का नहीं, पहले हमें भी ऐसा दुख और वो दर्द लगता था, जैसे नया नया फैमिली हमें रुकाता था ना, फिर लेकिन अभी हमें पता लग गया हमारा काम ही ये है। हाँ, 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 तो आज यहाँ पे कल वहाँ पे सब जगह हमारा फैमिली जो प्यार देता है सभी को धन्यवाद करता हूँ। और जो निग्रे भाई है उनका फैमिली को सपोर्ट किया हमें, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार किया। और नाइस टू मीट यू। ओके ओके बाय। ठीक है तो नेक्स्ट टाइम वेलकम, और दोनों भाभी को लेके आना। दोनों भाभी को लेके आएंगे, खाली नहीं, खाली नहीं, अभी तो खाली उस टाइम भाभी भाभी के साथ। गोलमाल फोर, गोलमाल फोर आ गया भाई। ये टिकलू भाई और फिर आना, जरूर जरूर आएंगे भाई। टेंशन भाई पक्का। अब तुम भी तो आओगे कभी दिल्ली? हाँ, हम मिलेंगे। सके तो मैं नेक्स्ट मैं ना भी आ सकता हूँ, अगर कुछ प्लान कर रहे तो। कितना छोटा गुवाहाटी आने से आप भी आप तो नॉर्थ ईस्ट कर रहे हो ना राइड? हाँ, क्या पता हम मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में किस कोने में। हाँ, और ना चल जाएंगे फिर नागालैंड मणिपुर पूरा घूमेंगे हम लोग भी। का तो रोज का एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई लोगों का कराने में डर लगता है, देखो। इन लोगों का बैलेंसिंग आ जाता है कराने में, आदत नहीं है ना, जो आदत नहीं बार हो रहा है। और इन लोगों को मैं उधर तक छोड़ के आऊँगा जहाँ पे उन लोगों ने स्कूटी वगैरह रखा है ना, तो वहाँ पे छोड़ के आऊँगा मैं। आज कहाँ निकल रहा है भाई आप लोग? लोंगटला है ना? हाँ, वो जो आप जगह बता रहे थे चौंगटे, आप लोगों का जो ब्लॉक है उधर रुकेंगे आज रात को। चौंगटे? हाँ, चौंगटे ही हो। चौंगटे? हाँ हाँ, सीआरडीसी। उसके बाद बस हो गया भाई। टिकलू भाई देखना पहुँच गया इस पर, हालत खराब, यही थोड़ा आके हालत खराब हम लोग का। और टिकलू भाई का स्कूटी देखो क्या हालत हो गया, मेरा देखोगे तो पूरी बाइक फटी, बाइक का बाइक जो है तो सुंग में चोर के आ गया, और ये लोग स्कूटी से आ गया मेरे पास। नंबर नहीं है भाई, उधर कहाँ चला गया नंबर, गायब हो गया पूरा। मिट्टी में नहीं देख रहा है। आ चुका है भाई लोगों को बाय बाय करने के लिए। बाय 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 यार, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन दिल से थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। हाँ मैं भी यार, सच में यार जाने का, मैं आप लोग अचानक प्लान किया ना तो मेरे को बहुत बुरा लगा था, बुरा ही बोलूँगा। हमारा आप लोग का भी क्या है, काम है, वो क्या कर सकते हैं ना, सब अपना अपना मजबूर है सब, अब है ना। जी जी जी, ओके ओके, नेक्स्ट टाइम वेलकम भाई, अगर आ रहे हो तो, कोई भी आ रहे हो तो नेक्स्ट टाइम वेलकम हो जरूर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा रहा आप लोग, अगर तीन चार दिन लेके ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त ही मेरा भाई जैसा है, पूरा ओपनली हम लोग मजाक करते रहते हैं ना। बाय बाय। जा रहे हैं भाई लोग, देखो तो भाई एक्चुअली टिकलू भाई और ये भाई तो चला गया है, मैं जा रहा हूँ नदी पार होके फिर मेरे को, और जहाँ पे मेरा स्कूटी छोड़ के आ गया तो वहाँ से मेरे को स्कूटी से जाना। तो भाई लोग चला जाने के बाद मैं पहुँच गया घर में, और लारू का अपडेट दे देता हूँ। इसका जो इतना बड़ा गांव हो गया था ना, तो इसमें अभी दवाई दे के बांध दिया है मैंने, इतना गाँव बड़ा गाँव पूरा उसका बहुत बड़ा गहरा हो गया था भाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लारू को दवाई देने के बाद मैंने वीडियो को अपलोड किया, थंबनेल वगैरह बना के। अभी मैंने गया था बालू लेने दोस्तों, एक्चुअली नदी से नहीं मैं मंदिर से लाया, पहले एक आदमी लेके गया मेरे साथ, उसको एक बाइक को लेके गया, फिर वहाँ से उतारा हम लोगों ने, मैं स्कूटी से ये पूरा लेके आया उधर बाइक का उधर से, फिर यहाँ से अभी लेके आ रहा है। मैं एक बोरी लाया बोली, और बाइक ने एक बोरी लाया, और तीन बोरी बचा हुआ है बाइक ने, वो लेके आ रहा है अभी, उसको ला ला के यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं। एकदम रात हो चुका है और डिनर वगैरह भी हो चुका है हम लोग का, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों, बाय बाय।